एलारकुम वनकम, माय नेम इज राजा। मैं आप सबको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सो लेट्स बिगिन। आज मैं आप लोगों को एक सुपर स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जिसे गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने एक मोटिवेशनल स्पीच में कही थी। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया और आज वो भारतीय युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। सो होने की कही गई बातें आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच कहीं से उठकर एक महिला पर जा गिरा। वह महिला डर के मारे चिल्लाने लगी और इधर उधर उछलने लगी। उसका चेहरा कॉकरोच की हलचल से डरा हुआ था और वह किसी भी तरह से कॉकरोच से छुटकारा पाने का ट्राई कर रही थी और आखिरकार वो कॉकरोच से पीछा छुड़ाने में कामयाब रही। लेकिन वह कॉकरोच पास बैठी दूसरी महिला पर जा गिरा और अब वो भी उसी तरह चिल्लाने लगी। एक वेटर महिला को कॉकरोच से बचाने के लिए आगे बढ़ा, तभी वो कॉकरोच उस वेटर पर जा गिरा। वेटर ने बड़े शांत तरीके से अपने शर्ट पर उस कॉकरोच के स्वभाव को देखा और फिर धीरे से उसे अपने हाथों से पकड़कर रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया। मैं इस हलचल को देख रहा था और कॉफी पी रहा था, तभी मेरे मन के एंटीना पर कुछ विचार आने लगा कि क्या उन दो महिलाओं के इस डरावना बिहेवियर या फिर अशांति के लिए वो कॉकरोच जिम्मेदार था। अगर ऐसा था तो उस कॉकरोच ने वेटर को बेचैन क्यों नहीं किया? उसने तो बड़े शांत तरीके से कॉकरोच को दूर कर दिया। यहाँ पर उन महिलाओं की अशांति का कारण वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि कॉकरोच से निपटने की इनएबिलिटी उनकी अशांति की असली वजह थी। मैंने महसूस किया कि मेरे पिता या मेरे बॉस की डांट मेरी डिस्टर्बेंस का कारण नहीं है, बल्कि उस डांट को संभालने की मेरी अक्षमता ही मेरी अशांति का कारण है। और मेरी डिस्टर्बेंस का कारण ट्रैफिक जाम नहीं, बल्कि उस ट्रैफिक से होने वाली परेशानी को संभालने की मेरी डिसेबिलिटी ही मेरी अशांति का कारण है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस का कारण प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि डिस्टर्बेंस का कारण प्रॉब्लम्स के प्रति हमारा बिहेवियर होता है। इसलिए अपना प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा मत समझो, बल्कि ये सोचो कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले। नंदरी।